यो यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DSLR कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, पहली बात तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके कर दें। नीचे रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके इस तरफ को या किसी भी तरफ को लाइक का बटन होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको कह रहा था DSLR कैमरे के बारे में। शायद DSLR कैमरा आपके पास होगा या आपने कहीं देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तो दोस्तों, उसकी क्वालिटी के बारे में भी आपने कहीं पे सुना होगा। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। तो दोस्तों, उसी फाइन क्वालिटी के साथ में आप फोटो खींच सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस से। हाँ दोस्तों, अपने एंड्रॉयड डिवाइस से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप DSLR जैसी फोटोज या वीडियोस कैसे खींच सकते हैं, बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस से। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास है वो DSLR वाला ऐप, ये। हाँ दोस्तों, यही है वो ऐप। दोस्तों, इस ऐप में ऐसा है क्या? दोस्तों, इस ऐप में आप फोटोज खींच सकते हैं एकदम DSLR जैसी। जैसे आपने देखा होगा DSLR में पीछे की इमेज पूरी ब्लर होती है, देखिए। इसमें देखते हैं दोस्तों उनको। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए। ये है, ये दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ये हो गया कंट्रास्ट, हो गया आपका, अभी 2 पे रखते हैं। ये आपका टाइमर हो गया, HDR हो गया, फ्लैश आपको ऑन करना है या नहीं करना। और दोस्तों, इसमें और आ जाता है हमारा, ये आ गए हमारे फोटो स्पेयर, यानी कि दोस्तों इसमें आप क्या करते हैं। दोस्तों, ये ऐप में आपका अभी जैसा कैमरा एरर दिखा रहा है, कांट कनेक्ट टू कैमरा, दोस्तों ये आपका होगा, हर किसी के फ़ोन में होगा ही। तो इसके लिए दोबारा ओपन करके करिए फोटो स्पेयर। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इस पे आपकी 3D फोटो बन जाती है दोस्तों, यानी कि 360, जिसे आप घुमा के देख सकते हैं जितनी आपने खींची है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आप घर पे अपनी फोटोज ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी इतनी अच्छी फोटो आई नहीं है क्योंकि मैंने अभी बहुत बेकार खींची, स्टेबल नहीं था दोस्तों फोन। और दूसरा हमारा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, पैनारोमा। ये तो शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबको पता होगा दोस्तों। ऐसे अगर आए बार बार आपका, तो उसे दोबारा क्लोज करके रीओपन करिए, क्योंकि ये ऐप मैंने प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया और ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा आ गया पैरानोमा।
पैनारोमा। दोस्तों जितनी बार हो रहा है उतनी बार दोबारा कीजिए। हाँ अब हो गया दोस्तों, जैसा है आप पहले ये आपको शो करेगा कि आपको कहाँ से फ़ोटो खींचना स्टार्ट करना है। मान लीजिए दोस्तों मैंने इधर से फ़ोटो खींचना स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ ले गया हूँ मैं, आफ्टर दैट दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए इतने में दोस्तों इसने कितना एरिया कवर कर लिया है। अभी इमेज प्रोसेस हो रही है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आई नो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आई। दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है लेंस ब्लर, जो कि मेन ऑप्शन है इसमें, इस ऐप में। दोस्तों देखिए अब इसका इफेक्ट देखिए, जैसे मान लीजिए आप फोटो यहाँ इस पॉइंट पे खींचते हैं, दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों पहले ही आपकी इमेज प्रोसेस होगी, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा थोड़ा सा, दोस्तों टाइम तो लगेगा इसे प्रोसेस होने में। अब रेंडरिंग हो रही है। हाँ दोस्तों आपको जैसा कि दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, ये तो इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप अपना लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस जगह पे ब्लर करना है। देख सकते हैं हम दोस्तों पीछे का पूरा ब्लर हो चुका है इस वक्त। आप यहां से सेट कर सकते हो आपको कितना ब्लर करना है। ये तो वैसे आपका पॉइंट है, ये आप कितना बढ़ाना है आपको अपना पॉइंट। दोस्तों डन। अब दोस्तों रेंडरिंग होगी आपकी इमेज की। हाँ तो दोस्तों अब आप देख सकते हो फोटो की क्वालिटी, आप पीछे का पार्ट देख सकते हो और जहां हमने फोकस किया था आप वहां भी देख सकते हो। आप ये जगह तो ये देख सकते हो, ये चीज़ ये एकदम पीछे का ब्लर है दोस्तों। दोस्तों यही है आपकी DSLR जैसी फोटो। दोस्तों यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट किससे करना है आपको जो भी हो, और यहाँ से सेंड कर सकते हैं, वो बाकी आपको पता होगा। तो दोस्तों ये आपका नॉर्मल कैमरा आ गया, और ये यहाँ से आप वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों बाकी आप ट्राई कर सकते हो घर पे खुद ही। ये आपकी सेटिंग्स आ गई, आपकी रिजोल्यूशन क्वालिटी आ गई, ये कितना आप वो दोस्तों अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा पैनोरामा रिजोल्यूशन
दोस्तों तो सारी इसकी सेटिंग्स आ गई। सेव लोकेशन करना चाहे आप कर सकते हो, नहीं तो रहन दीजिए। शो ग्रिड इन व्यू फाइंडर, उसमें जैसे आप पैनारोमा फोटोज खींचते हो, 360 फोटोज खींचते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये ग्रिड चीज, तो ये आपका नॉर्मल कैमरा आ चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये आपने देखा होगा मेरे चैनल यूट्यूब पे एस ब्लॉग्स। दोस्तों आपने ये देखा होगा मेरा चैनल एस ब्लॉग्स। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर भी करना मत भूलिए और लाइक करना भी मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है गूगल कैमरा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको ये मिलेगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको ये। तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।